चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल इल्यूमिनेटेड बाय ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे व्हेन द सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर अवे। कहता फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अब सेल है यार, ठीक है। अब सेल क्या होता है कि एक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और किस कॉन्सेप्ट से? फोटो इलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट से। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाई ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब मान लो एक यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स है, ये लाइट एनर्जी इस मीडियम में रेडिएट कर रहा है, सबको पता है। अब यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो यहाँ पर रखा हुआ है। पहले ये डिस्टेंस 1 मीटर था, ठीक है। अब बाद में जो ये डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, ये डिस्टेंस हमने 2 मीटर कर दिया, ये यहाँ से 2 मीटर पे इस मटेरियल, समझ रहे ना, ये सोर्स है, यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं बॉल के फॉर्म में, यहाँ से ऐसे फोटॉन्स आ रहे हैं, क्लियर है। और ये फोटॉन्स जब यहाँ से पड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं जो कि करंट बन रहा है, फोटो फोटो सेल की तरह यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे भी, यहाँ से भी हमने, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे ही जनरेट हो रहे हैं जब ये फोटॉन्स पड़ेंगे, यहाँ से फोटॉन्स पड़ेंगे, बाई डिस्टेंस ज़्यादा है, कम फोटॉन्स पड़ेंगे तो कम करंट बनेगी, कम इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इस मेटल के सरफेस से। तो कहता है व्हेन सोर्स इज शिफ्टेड 2 मीटर अवे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड क्वार्टर ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड कैसे निकालें यार? देखो इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर टाइम परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट दैट इज पावर और दैट इज एरिया ये, ठीक है, वे टी इज द टाइम, ये एरिया क्रॉस एरिया अपर एरिया जिसपे फोटॉन्स पड़ रहे हैं, ठीक है, ई एनर्जी है। तो ये अगर पावर पी और एरिया की बात करोगे तो पॉइंट सोर्स के लिए 4πr² इस तरह से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी, ये डिफाइन कर ले रहा हूँ मैं, पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी 4πr². तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि डिस्टेंस इंटेंसिटी और डिस्टेंस में जो इंटेंसिटी है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के यार। तो इंटेंसिटी ये किसकी इंटेंसिटी है? जो फोटोन सरफेस पे पड़ रहा उसकी इंटेंसिटी है। तो यहाँ से इंटेंसिटी I2/I1 दैट इज R1/R2 का स्क्वायर। और पहले केस में R1 कितना था? 1। दूसरे केस में R1 कितना हो गया? 2। और 2 का स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी जो है I1/4 times। जो फोटोन इस पे पड़ रहा है, जो फोटोन इस मेटल पे पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्वार्टर डिक्रीज हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर आ रहे हैं वो भी क्वार्टर डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्ट ग्राफ होता है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट इज इक्वल टू होता है Q/T, दैट इज Q=NE/T। तो करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना फैक्टर उस पर पड़ने वाली इंटेंसिटी कम करोगे उतनी फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिक्रीज इज 1/4, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वार्टर टू द इनिशियल वैल्यू।